मेरी बदली लगा मुझे देखा नहीं 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 हम यहाँ पर आ चुके हैं कम से कम 15 से 20 बार। मैं लाइव आ रहा हूँ ना, बहुत ही मजा आता, तुम आओगे ना अल्लाह के समय मजा आ जाएगा। और आप यहाँ का माहौल देख सकते हैं भाई, कितना रंगीन है, ठीक है। और ये आगे आगे हमारे राहत भाई चल रहे हैं, आप देख सकते हैं भाई ऊपर कितना चमकाया हुआ है। और भीड़ कितनी हो रही है वो आप देखिए जरा, कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पर। क्योंकि जमा मैंने यहाँ पर नॉर्मल डेज में भी आया हूँ और रमजान में भी आया हूँ, तो रमजान में बहुत ज्यादा चहल पहल रहती है, बहुत जी लगता है यहाँ पर रमजान में। तो दोस्तों आज हम जाने वाले हैं जामा मस्जिद, और जामा मस्जिद में आज हम अफ्तारी करेंगे क्योंकि आज फ्राइडे है, बहुत अच्छा दिन है। क्योंकि रमजान में जुमे के दिन को काफ़ी एक अच्छा दिन माना जाता है, क्योंकि रोज़ा सब लोग रखते हैं, जुमे का एक बहुत अच्छा महत्व है हमारे रमजान के टाइम में, लेकिन वैसे भी है और रमजान के टाइम में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आज मैंने प्लान किया कि मैं जामा मस्जिद रोज़ा खोलने के लिए जाऊंगा अपना, और साथ ही मेरे साथ कुछ मेरे ऑफिस के क्लीग्स भी जाएंगे, वो भी मैं आपको सीधा वहीं पर ही दिखाऊंगा। कितना मज़ा आने वाला है ना वहाँ पर, क्योंकि मैंने वैसे तो पहले भी वहाँ पर रोज़ा खोला हुआ है, लेकिन अब फिर मैं अपने क्लीग्स लोगों के साथ जाऊँगा तो मैं थोड़ा सा और अच्छा फील करूँगा। तो अभी सीधा हम आपसे मिलते हैं जामा मस्जिद। तो गाइस फाइनली हम जामा मस्जिद पहुंच चुके हैं, और आप यहां का एनवायरनमेंट देख सकते हैं भाई, यहां पे पल वगैरह सब यहां पर आप देख सकते हैं। और अभी मैं रिसीव माइस टेस्टिंग, अभी टेस्टिंग चल रही है, और इसके बाद अभी देखते हैं कि भाई हमें कहां जाना है, अंदर की क्या प्रक्रिया है। इधर हम अपने गाड़ी पार्क कर दी है और अब हम सीधा जाएंगे जामा मस्जिद, और आपको सारी की सारी प्रक्रिया दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर क्या है। और सभी लोगों ने मतलब यहाँ पर कोई जाना माज बेच रहा है, कोई टी शर्ट बेच रहा है, कोई खजूर बेच रहा है, कोई मतलब सब अलग अलग जिनके जो जिसमें परफेक्ट है वो चीज़ वो बेच रहा है। तो बहुत अच्छा फील होता है मतलब जब एक जामा मस्जिद जैसे इलाके में आते हैं पुराने दिल्ली में, जो एक पुराने दिल्ली का बहुत फेमस इलाका है जामा मस्जिद। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी बेलों से इसको सजाया हुआ है, क्योंकि मैं जनरली मैं देखता हूँ तो इतना सजावट नहीं होती, इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती है, लेकिन जब रमज़ान का महीना आता है तो लोग यहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है, जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर खजूर वगैरह की शॉप की जो ठेलियाँ हैं वो यहाँ पर लगा के रखते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह का यहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, लोगों को कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब मतलब जामा मस्जिद के आसपास ही लोगों को मिल जाता है। और कुछ फुल फ्रूट्स हैं जो लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, कीवी भैया बेच रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब चाट भी आप बनी बनाई ले सकते हो, वो भी आप खा सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं आपको चलो कंटिन्यू दिखाता हूँ कि अंदर हम जामा मस्जिद में दिखाएंगे आपको प्रक्रिया कंप्लीट सारी की सारी, कहाँ पे इफ्तारी मिलती है, कहाँ पर आप बैठ करके फ्री में ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत अच्छा है शरबत है जो बहुत फेमस है, आपने देखा भी होगा बहुत ये शरबत है मोहब्बत है जो कि काफ़ी लोग इसको पसंद भी करते हैं। थैंक यू। अच्छा आपका यूट्यूब पे भी है, क्या नाम है आपका यूट्यूब चैनल? यूट्यूब पे एक सर्च करिए फूड मेरी दिल्ली। अच्छा अच्छा फूड नई दिल्ली है, फूड मेरी दिल्ली। वाह ग्रेट, तो भाई आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके ग्रेट ग्रेट, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये चीज़ मैंने मिस कर दी थी यहाँ पर, लेकिन बहुत अल्टीमेट भाई जो पुरानी दिल्ली का जो बहुत फेमस है जो कुरैशी कबाब, यहाँ पर लोग आते हैं काफ़ी दूर दूर से और कुरैशी के जो कबाब है वो खा करके जाते हैं, और अभी हम तो नहीं खाएंगे लेकिन यहाँ पर बहुत फेमस है भाई कुरैशी कबाब। उसके बिल्कुल सामने यहाँ पर एक ही है, आप देख सकते हैं इनका ये चैनल मैंने आपको बता दिया हो, आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको लेकर सर मेरा रोज़ा है। अच्छा खिदमत का मौका दीजिए आफ्टर। बिल्कुल सर थोड़ा सा ये बनाइए भी और इसका। बिल्कुल सर बिल्कुल, मैं आऊँगा रोज़े के बाद, थैंक यू। तो ये भाई मेरे से कह रहे थे कि आप थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए। तो हम ऑलमोस्ट जामा मस्जिद के पास पहुंच चुके हैं और बस अभी एंट्री करने वाले हैं हम बहुत जल्दी, क्योंकि ये सारा का सारा एरिया जामा मस्जिद का है। आप देख सकते हैं जहां से मैंने वीडियो बनानी शुरू करी थी, जहां पर मैंने अपनी गाड़ी पार्क की थी, वहां से लेकर के यहां तक पूरा जामा मस्जिद का ही इलाका है, मतलब जामा मस्जिद के अंडर ही आता है वो सब चीज़ें। और अब मैं यहां से अंदर एंट्री करने वाला हूं और दिखाऊंगा आपको कंप्लीट। यहां पर आप देख सकते हैं भाई फुल्की वगैरह लोग खरीदते हैं और खजूर वगैरह भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप मतलब बनी बनाई यहाँ पे जैसा बने बनाए कटे कटा यहाँ पर, भैया कितने का है ये? 20 रुपये। ये 20 रुपये की प्लेट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, 20 रुपये में आप यहाँ से ले सकते हैं कंप्लीट, ठीक है। और अभी मैं आपको अंदर लेके चलने वाला हूँ और अंदर आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइस आप फाइनली देख सकते हो हम जामा मस्जिद के इलाके में पहुँच चुके हैं और ये जामा मस्जिद का इलाका है। और अगर मैं यहाँ की चहल पहल की बात करूँ तो भाई बहुत चहल पहल है यहाँ पर, मतलब हम पैदल भी नहीं चल सकते, इतनी सारी यहाँ पर भीड़ हो जाती है, खासकर जुमे वाले दिन, क्योंकि
जुमे वाले दिन यहाँ पर तकरीबन सभी लोग आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं चने वगैरह मिलते हैं, पानी की बोतल, रोफजा वगैरह यहाँ पर सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है ठीक है। और यहाँ पर सब कुछ अपना अपना सामान ले लेकर सब जमा मस्जिद में जाते हैं, ऊपर रोजा अख्तियार करते हैं। हालांकि यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है, मतलब हो सकता है आप बाहर से भी ले सकते हो, लेकिन आपको यहाँ से अंदर से भी मिल जाएगा बहुत सारी चीज़ें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है, इसका मेन एंट्रेंस है ठीक है। बाकी ऐसे ही चार तीन दरवाजे और हैं, एक ये फ्रंट में हो गया, एक लेफ्ट में है, एक राइट में, यहाँ पर तीन गेट हैं जो मैं आपको तीनों के तीनों गेट दिखाने वाला हूँ ठीक है। अब हम चलते हैं सीधा ऊपर। जिन डॉक्टर साहब का हमें इंतज़ार था फाइनली वो पहुंच चुके हैं, और बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल में, बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लगा सर आपको? बढ़िया भाई बढ़िया। ये मेरा डॉक्टर साहब हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। खाने के लिए कुछ नहीं है लाते, लेकिन यहाँ से आप ले सकते हैं 10 रुपये की। तो अब यहाँ पर हम सीधा चलते हैं ऊपर और मैं आपको कंप्लीट दिखाने वाला हूँ। भाई बहुत ऊंची है, थोड़ा आराम से चलना है। हेलो सर, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। ये यहाँ से एंट्रेंस गेट है इनका, आप देख सकते हैं भाई कितना बड़ा है। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं सब बाजी सामान बेच रहे हैं, इधर टोपी वगैरह बिक रही हैं, बाकी पर्स वगैरह हैं। और ये आप गेट देख सकते हैं भाई कितना अल्टीमेट है यार, ये इसका पूरा मेन गेट है भाई ठीक है। अब हम एंट्री कर लेते हैं अंदर। अब अंदर देख सकते हैं भाई कितना चहल पहल है, खासकर जुमे वाले दिन यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, क्योंकि जुमे वाले दिन सब लोग आते हैं बहुत बहुत दूर से जो यहाँ पर दिल्ली में जो नियरेस्ट लगते हैं। चलो, मतलब फर्स्ट टाइम आए हुए यात्रा? नहीं नहीं, हम यहाँ पर आ चुके हैं कम से कम 15 से 20 बार भाई। वैसे तो आपने सभी लोगों को यहाँ पर दिखा होगा, लेकिन दिल्ली 6 वालों को कैसा लगता है जब आप यहाँ पर आते हो? ये तो अपने फ्रेंड वगैरह के साथ आ जाते हैं, उन्हें तो अपने घर पे ही टाइम मिलता नहीं है। अच्छा अच्छा, यहाँ मौका लग जाता है फ्रेंडों के साथ तो आ जाते हैं। ग्रेट ग्रेट, मतलब आप फैमिली को नहीं लेके? फैमिली के साथ भी आ जाते हैं। अच्छा, तो आज कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। खासकर मतलब आप अभी फर्स्ट टाइम आए हो? नहीं नहीं, अब डेली आते हैं आप रोज़ यहीं पे? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह जाम की तो बात ही अलग है। तो जो नए लोग आ रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे आप? उनके लिए भी खुश किस्मती है, दो साल बाद अब ये मौका मिला है, वरना तो कोरोना की वजह से तो बहुत परेशान थे सभी परेशान थे। कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पर ठीक है, ये पूरा मतलब यहाँ पे हेलो कैसे हो, तो यहाँ बहुत भीड़ हो रही है यार। जितने भी लोग हैं यहाँ पर सब पुराने दिल्ली के हैं, नियरेस्ट हैं, क्योंकि हर कोई जुमा मतलब जो अफ्तारी है वो खोलने के लिए आते हैं, खासकर जुमे वाले दिन यहाँ पर लोग काफ़ी होते हैं। क्योंकि मैं नॉर्मल दिन में भी आया हूँ, लेकिन जुमे वाले दिन आज मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, जो कि मुझे बहुत यहाँ पर भीड़ नज़र आ रही है। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है मेरे को, सब लोग बैठ के प्यार मोहब्बत से खाना खाते हैं, अफ्तारी करते हैं, और बहुत अच्छा फील होता है यहाँ से। जैसा कि मैंने आपको बाहर से बताया था कि इसके तीन गेट हैं, एक गेट वो देख सकते हैं, एक गेट ये वाला था, और ये फिर पूरी मस्जिद है ठीक है। बहुत अच्छा शानदार नज़ारा है भाई यहाँ का। और आई होप अब अगर आपको मतलब कभी लगे कि भाई जामा मस्जिद हमें जाना चाहिए, तो भाई आपको रोज़ा खोलने के लिए आपको जामा मस्जिद आना चाहिए। तो चलो अब थोड़े से एक विजुअल्स ले लेते हैं यहाँ के, और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं कि भाई वो पहली बार आए हैं या फिर यहाँ पर आकर के उनको कैसा लगा है, वो सब हम लोगों से बात कर लेते हैं। हाँ नहीं, बहुत अच्छा, मतलब हमें ऐसा फील हो रहा है कि हम दिल एकदम अंदर से जो खुशी आती है ना, जैसे हमारे भाई लोग बहन लोग सब हैं, ये इतना भीड़ इतना जमावड़ा जो लगा हुआ है ना, ये इसी वजह से ये 2-3 साल बाद जो मतलब ये खुला है ना, तो सब अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मसला है सारा। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान। ठीक है, आप कहाँ से हो? मैं उधर से ही जाफराबाद से। ग्रेट, थैंक यू। तो भाई यहाँ पर सब लोग अपने अपनी पॉलिथीन अपने अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर बैठे हैं ठीक है, क्योंकि सबके सब यहाँ पर रोज़ा खोलने के लिए आए हुए हैं। और जुमे वाले दिन एक यहाँ पर बहुत ही अल्टीमेट मतलब मज़ा आता है, यहाँ पर लोग सब प्यार मोहब्बत से इफ्तारी करते हैं यहाँ पर, और ये मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक भाईचारा प्यार मोहब्बत नज़र आती है यहाँ पर इस तरह की जगह पर जा कर के। और बहुत अच्छा लगता है जब एक ऐसी मैन्यूमेंट पे जहाँ पर लोग सभी आते हैं, यहाँ पर किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी यहाँ पर इफ्तारी आकर के कर सकता है, कोई इशू नहीं है। और ये आप देख सकते हैं बीच में हौज़ है जहाँ पे लोग वज़ू करते हैं ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे और नोटिस कर रहा हूँ कि मतलब यहाँ पे गर्ल्स के लिए भी कोई यहाँ पे औरतों के लिए भी कोई मना ही नहीं है, वो भी यहाँ पर आकर के रोज़ा खोल सकती हैं। ये यहाँ पर हौज़ है जहाँ पर सभी लोग वज़ू कर रहे हैं ठीक है। और ये कुछ लोग ऊपर चोटी पे चढ़ रहे हैं, फोटो सेल्फी ले रहे हैं। जैसा 2 साल के बाद अभी जामा मस्जिद खुली है अफ्तारी के लिए ना, तो कैसा लगा है मतलब आप सही से ही हैं आप प्रॉपर, तो आप सारे रोज़ ये भी उपचार करने के लिए?
और जो खासकर जुमे वाला दिन, ठीक है, अच्छा अलविदा जुमा। तो जो नए लोग आ रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे, जो मतलब फर्स्ट टाइम आते हैं यहाँ पर? आना चाहिए ना, ठीक है। और ये वो एरिया है जहाँ पर मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर आपको मतलब फ्री में मिलने वाला है। ये जो आप यहाँ पर लाइन देख सकते हैं, ठीक है, इसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर काफ़ी लोग जिनका हिसाब होता है सब अपने अपने हिसाब से यहाँ पर सामान देते हैं, कोई केला देता है, कोई सेब देता है, तो यहाँ पर ये मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर कोई आप किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर भी लोग, यहाँ पर कोई भी बैठ सकता है, किसी के लिए कोई मना ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है, आराम से यहाँ पर बैठ करके रोज़ा खोल सकते हैं, ये जो इधर वाला जो एरिया है, ठीक है। बाकी जो उधर जो अगर मैं और एरिया की बात करूँ, यहाँ पर लोग अपने अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं और अपने अपनी सामान लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं, बाहर से साफ सामान मिल जाता है, कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये काफ़ी अच्छा लगता है कि जब एक ऐसे मॉन्यूमेंट पर जहाँ पर सब लोग एक साथ बैठ करके रोज़ा अख्तियार करते हैं, रोज़ा खोलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें मतलब ये जाहिर करता है, क्योंकि मैंने जो देखा है यहाँ पर किसी के लिए कोई मना ही नहीं है यहाँ पर, ना किसी को रोज़ा खोलने से, ना यहाँ किसी को बैठने से, या किसी को फ़ोटो वगैरह खींचने से, किसी के लिए कोई मना ही नहीं है। तो आप यहाँ पर नज़ारा देख सकते हैं, इफ्तार का भी वेट कर रहे हैं कि क्योंकि इफ्तार का भी आज 6:45 पर यहाँ पर आज का जो टाइम है, ठीक है, और अभी मुझे भी खोलना है भाई, मैं भी रोज़े से हूँ, ऐसा नहीं कि भाई मैं रोज़े से नहीं हूँ, लेकिन मैं भी खोल लेता हूँ, चलो मैं भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जगह बना करके बैठ जाता हूँ। हमारा ब्लॉग यहीं पर एंड होता है और हमने काफ़ी मतलब मज़ा ले लिया, और ही हमारे डॉक्टर साहब थे, उनसे तो हमने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया, लेकिन एक बार हाय बोल दी, ठीक है। ये भाई बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे, अब से 5 साल से मेरी दोस्ती है इनसे, ठीक है। तो अब अपने ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, और फिर मैं आपको आपके लिए लेकर आऊँगा एक नया ब्लॉग एक नई लोकेशन के साथ।